पंडित जी, मुझे अगला सवाल जो आपको पूछना है, इंडिया पाकिस्तान की तो आपने बात की, लेकिन ईरान और अमेरिका में क्या स्थिति है? इनमें युद्ध हो सकता है? ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय सवाल है और इसके ऊपर पूरे विश्व की नजर गड़ी हुई है। चार दिन, तीन दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी अमेरिकन सेनाओं को ये आदेश दिया और वहाँ के टॉप के कमांडर बगदाद में जनरल सुलेमानी का को मार गिराया। अपाचे हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर अटैक किया गया, अगर आपको आपने पढ़ा होगा जी। और ये ईरान के लिए बहुत ही डेफिनेटली एक चैलेंजिंग है, चुनौती भरा है। इस वक्त जो ग्रह दशा है वो उसका निर्माण आप देख लीजिए, क्योंकि नवे घर में इस वक्त, विश्व के नवे घर में नवा घर भाग्य स्थान होता है। इस पूरे ब्रह्मांड के नवे घर में जो भाग्य स्थान होता है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का वातावरण बना हुआ है जो कि गुरु के साथ बुध है, शनि के साथ सूर्य है, चंद और अजीब तरह के माहौल बने हुए हैं। समझ लीजिए कि 5 फरवरी से पहले पहले, कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है, वर्ल्ड वॉर होने के योग बिल्कुल नहीं है। अमेरिका अपना तेल लेने के लिए इन देशों के ऊपर अटैक कर रहा है। कहीं ना कहीं ईरान रशिया के साथ में दोस्ती है उसकी, क्योंकि कुछ देशों में तो बिल्कुल किसी तरह की कोई उनके पास में सेना नहीं थी, किस तरह का असला नहीं था, किस तरह के एरोप्लेन नहीं थे, तो भी उन्होंने अमेरिका के साथ में युद्ध किया और बुरी तरह हारे, जिसमें सीरिया है, इजिप्ट है, इराक है। मगर ईरान के साथ जो युद्ध होगा वो लंबा चल सकता है, कम से कम 1.5 से 2 महीने चल सकता है, जिसकी आशंका है कि 5 या 10 फरवरी के पहले ये युद्ध जो है डेफिनेटली आपके सामने दिखाई दे सकता है, जिसमें रशिया भी भागीदार होगा। रशिया और ईरान इकट्ठे अमेरिका के ऊपर कोई ना कोई घात कर सकते हैं और अमेरिका जो है वो इनके ऊपर घात कर सकता है। इसमें युद्ध होने के पूरे पूरे योग कुंडली के हिसाब से, क्योंकि विश्व की कुंडली में नवे घर में 5 ग्रह बैठे हुए हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं युद्ध का संकेत देते हैं जी।